तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जी हाँ, ये दरिया का उतरना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो का टॉपिक, लेट डिवाइन मैस्कुलिन्स फील टू इनफ्लेम कनेक्शंस। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सबसे पहले पता चलता है, राइट? क्यों? क्योंकि जो ट्विन फ्लेम मोर रिसेप्टिव होगा वही पहले अवेकंड होते हैं। बट आई वुड नॉट से दैट इट्स कॉमन फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन्स टू फील नथिंग। डिवाइन मैस्कुलिन्स भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। डीएम का पैटर्न अलग होता है एक्सपीरियंस करने का। डीएम भी रोते हैं इसे एक्सपीरियंस करने का। कभी वो सोचते हैं इस जर्नी के बारे में, उनको पता नहीं होता। कभी वो सोचते हैं कि ये कैसा अद्भुत कनेक्शन है जिसमें सब कुछ ऑड है। ऑड माने रिलीजन, एज गैप, स्टेटस, या फिर दोनों का ही डिफरेंट स्पाउस से मैरिड होना। कभी डीएम को लगता है क्या होगा इसमें इन्वॉल्व होकर, क्योंकि आगे चलने का रास्ता समझ में नहीं आता। तो ऐसे में डीएम एक्सपीरियंस तो करते हैं पर स्टेप नहीं ले पाते। कभी डीएम को सब कुछ वियर्ड सा लगता है तो कभी अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट पर डाउट करने लगते हैं कि आखिर इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। कभी डीएम खुद को अनवर्दी समझने लगते हैं। दोनों ही ट्विन फ्लेम के लाइफ में पास्ट ट्रॉमास या चाइल्डहुड ट्रॉमास लगभग सेम होते हैं। दोनों को ही कार्मिक पर्सन को फेस करना पड़ता है, या फिर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नहीं तो स्पाउस या फिर इन लॉज कार्मिक होंगे ही, इनमें से कुछ या कोई एक। बुद्ध ट्विन फ्लेम्स हैव नेवर नोन अनकंडीशनल लव, और अनकंडीशनल लव को जानने के लिए, इसे पाने के लिए किस्मत की जरूरत होती है ना? ट्विन फ्लेम लव आपको अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस कराता है। अच्छा, आपने बर्ड को एक शेल से निकलते देखा होगा। बर्ड एक शेल से निकलते वक्त काफी दर्द सहती है, और वही दर्द उसे स्ट्रांग बनाती है। वहीं अगर हम या आप एक को क्रैक करने की कोशिश करें, ताकि वो हम ये सोचकर कोशिश करें कि उसे क्रैक नहीं करना होगा, और ऐसे में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो इससे हम उस बर्ड की हेल्प क्या रियल में कर रहे हैं? नहीं। तो क्या हम रियली उस बर्ड को हेल्प करते हैं अगर उसकी एक शेल को हम ही क्रैक करें बजाय उसको करने देने के? आपने बटरफ्लाई को उसके कोकून से निकलते हुए भी देखा होगा। इफ यू हेल्प अ बटरफ्लाई आउट ऑफ इट्स कोकून, इट विल ऑल्सो डाई। क्योंकि जो हेल्प दोनों, मतलब वो बर्ड और वो बटरफ्लाई, वो उनकी लड़ाई है ना? वो अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है उन्हें, इन ऑर्डर टू बी स्ट्रांग इनफ टू फ्लाई एंड सर्वाइव। ये उनकी लड़ाई है, ये उन्हें एक्सपीरियंस खुद से करना होगा, करना चाहिए। अगर उसमें कोई भी आके अपना इंटरवीन करता है तो इसका मतलब ये है कि उसे हेल्प नहीं कर रहा, उसके साथ वो इनजस्टिस कर रहा है। वो ना तो फ्लाई करने के लायक रहेगा, ना स्ट्रांग बन पाएगा। ठीक वैसे ही
अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन्स, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन पीरियड में है, सेपरेट होकर डिवाइन मैस्कुलिन जब सेपरेट लेते हैं या डिवाइन ऑर्डर से सेपरेशन आता है, तो आपके एब्सेंस को फील अगर नहीं कर पाते उस सेपरेशन पीरियड में, या आप अगर बार बार उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सेपरेशन पीरियड में, तो वो आपको, आपके एब्सेंस को, आपकी एनर्जी के एब्सेंस को कैसे पहचान पाएंगे? जब तक डीएम उस दर्द से रूबरू नहीं होते जैसा आपने फील किया था जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका था, जब आप डीएम से बिछड़े थे, वो दर्द जब तक आपके डीएम आपके लिए नहीं फील कर पाएंगे, रीयूनियन पॉसिबल कैसे हो सकेगा? यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर देम टू डू इट ऑल अलोन. आप लोग कुछ से पूछते हैं, क्या डीएम को हेल्प करनी चाहिए? अगर उनको दर्द में, आप अगर डीएम को दर्द क्या होता है वो अगर फेस नहीं करने देंगे, पेन अगर आपसे रिलेटेड पेन अगर फेस नहीं करने देंगे, उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी. उनकी अवेकनिंग कैसे हो पाएगी जब वो आपको फील, आपको आपकी एब्सेंस को फील नहीं कर पाएंगे, जब आपकी एनर्जी की लैकनेस को फील नहीं कर पाएंगे, उनकी अवेकनिंग कैसे हो पाएगी? राइट? डीएफ्स गलती कहाँ करती हैं? जब आप सब कुछ खुद से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? आपको ठीक उस बर्ड और बटरफ्लाई के जैसा, आपके डीएम को भी उनके स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज फेस करने का टाइम देना चाहिए. डीएम को पता होता है कि उनकी सोल सिर्फ आप ही से प्यार करती है, पर इस बात को 3D में रियलाइज करने के लिए इनर वर्क करना होता है. That inner work, hopefully, one or both twins are doing. Know that one twin learn to transmute and balance energy first. एक twin भी अगर properly अपने ऊपर work कर ले, तो दोनों twin flame को benefit मिलता है. Because you both are mirror souls. Mirror soul. एक soul की half part, स्प्लिटेड पार्ट दोनों बॉडी में. हमेशा जानिएगा, प्रूफ इज अ क्वेश्चन ऑफ माइंड. आप लोग प्रूफ चाहते हैं, क्या प्रूफ है, है ना? तो ये माइंड का खेल है. अगर प्रूफ चाहते हैं, अगर प्रूफ ही चाहिए, फिर आप लोग इस टाइप के चैनल को क्यों देखते हैं? अगर ट्विन फ्लेम रिलेटेड प्रूफ चाहिए, तो ये चैनल में आप लोग कैसे आ रहे हैं? तो ये मेरा उनके लिए था जो ऐसे चैनल्स को देखते भी हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में ये लिख देते हैं, लिख के चले जाते हैं कि ट्विन फ्लेम होता ही नहीं है. अगर होता नहीं है तो ये चैनल क्यों, इस चैनल में क्या करने वो लोग आ रहे हैं? राइट? मतलब वो लोग आते हैं, देखते हैं, उनके साथ भी यही एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन उनकी जो लॉजिकल माइंड है वो प्रूफ चाहती है. तो प्रूफ इज अ क्वेश्चन ऑफ माइंड. आपके ट्विन फ्लेम आपसे प्यार करते हैं, ये भी आप लोग पूछते हैं, क्या हमारे ट्विन फ्लेम प्यार करते हैं हमसे? अगर वो आपसे नहीं प्यार करेंगे तो किन से प्यार करेंगे? अगर वो खुद से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आपसे भी प्यार करते हैं, ये मेरा आंसर है. तो ऐसा कोई है क्या जो खुद से ना प्यार करे, है ना? आप भी उनके हाफ सोल हो, भले ही वो 3D लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं एडमिट कर पाते हैं, पर हायर सेल्फ उनकी भी जानती है. आपके ट्विन फ्लेम आपसे प्यार करते हैं, इसको फील करने के लिए किसी प्रूफ की जरूरत है क्या? है क्या कोई प्रूफ की जरूरत? सोल को तो नहीं है, हाँ आपके माइंड को हो सकती है. इसलिए जब तक आप पूरे प्रोसेस को डिवाइन के अकॉर्डिंग होने नहीं देंगे, तब तक ट्विन फ्लेम जर्नी आगे नहीं बढ़ पाती है. अगर आपको भी जानना है कि आप कहाँ स्टक हैं अपने जर्नी में, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कहाँ स्टक हैं, या क्या आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, या जर्नी में आप कहाँ तक आगे आ पाए हैं, या ट्विन फ्लेम इनर वर्क के बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पर याद रखिएगा, ये वीडियोस फ्री होते हैं, पर्सनल सेशन या रीडिंग्स
फ्री नहीं होती, है ना, उसमें टाइम लगता है 1 घंटा, तो वो फ्री नहीं हो सकता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, लेट डिवाइन मैस्कुलिन्स फील ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप अपने मैस्कुलिन्स को इस कनेक्शन को फील करने दीजिए। वो कैसे हो सकेगा? सेपरेशन में। सेपरेशन कोई कर्स नहीं होता, सेपरेशन इज अ ब्लेसिंग्स। उस सेपरेशन में आप अपने ट्विन को बिल्कुल चेज मत करिए, बिल्कुल परेशान मत करिए, बिल्कुल कांटेक्ट मत करिएगा, नहीं तो वो आपकी एनर्जी की एब्सेंस को, आपकी एब्सेंस को फील नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपकी आंखों का दरिया उतरा था, उनकी भी आंखों का दरिया उतरने दीजिए ना, है ना। तो अगर उनकी आंखों का दरिया नहीं उतरे तो कैसे वो समझ पाएंगे आपके कनेक्शन को? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ को धुलने में, कोई भी चीज़ को साफ करने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कोई भी चीज़, गंदी चीज़ को साफ करने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 100% वाटर, पानी की ज़रूरत होती है ना। हम पानी से गंदी चीज़ों को साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल में जमी हुई परत, धूल की परत, उसके लिए भी लिक्विड चाहिए, पानी चाहिए, आँखों का पानी। आँखों का पानी मतलब टीयर्स, आंसू, राइट। क्योंकि सोल की कोई भी गंदी चीज़ वो पानी से साफ होती है ना, या लिक्विड से साफ होती है। ड्राई क्लीन भी अगर हो तो पेट्रोल से ही साफ किया जाता है, आप सबको ये बात मालूम होगा। तो सोल में लगा हुआ पर्थ, क्योंकि वो आपको भूल चुके होते हैं, इसलिए क्योंकि वो अब तक काफ़ी ज़िंदगी में आगे जी चुके होते हैं उनकी लाइफ में। तो अवेकनिंग उनकी कब होगी? जब सोल में लगी हुई पर्थ हटेगा, धूल हटेगी, और उस धूल को हटाने का काम, जैसे किसी चीज़ को साफ करने का काम पानी से किया जाता है, लिक्विड चाहिए, उसी तरह से सोल में लगी धूल को साफ करने का काम हमारी टीयर्स करती है। तो जैसे आपकी आंखों में दरिया उतरा था, आप जैसे रोते थे या रोते हैं अभी भी हो सकता है अपने डीएम के यादों में, तो आपको ये अब कोशिश करनी चाहिए कि अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के भी आंखों का दरिया उतरे, उनकी भी आंखों में आंसू आए। ऐसी बात नहीं है कि मर्द रोते नहीं हैं। अगर आपके डीएम मेल हैं या फीमेल है, रिगार्डलेस, क्योंकि सोल की कोई जेंडर नहीं होती, डिवाइन मैस्कुलिन्स फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, जैसे डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में होती हैं। मेरे कई सारे सोल ब्रदर्स हैं जो डिवाइन फेमिनिन के रोल में हैं। तो मेरा आज का वीडियो का टॉपिक यही था, लेट डिवाइन मैस्कुलिन्स फील ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। और वो कैसे फील करवा सकेंगे आप, कैसे उनकी आंखों के दरिए, आंखों का दरिया कैसे उतार पाएंगे आप, कैसे उनको जगा पाएंगे आप, कैसे उनको रुला पाएंगे आप, कैसे उनकी सोल से धूल हटा पाएंगे आप? ऑब्वियसली अपनी एब्सेंस उनको फील करा के, है ना। तो अगर सेपरेशन दिया जा रहा है उसको एम्ब्रेस करें, और उसमें फिर अपनी ओर से कोई भी फिक्सिंग करने का प्लान मत करें, ठीक है ना। तो ये था मेरा वीडियो, मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, ये एक डायरेक्शन था आप सबके लिए। आज का वीडियो इसी पे था और यहीं पे एंड होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत बहुत खुश रहेंगे और बहुत बहुत जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी के लिए मेरा ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।